हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज 19 जुलाई 2018 है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मीडिया 2018 में किस भारतीय को गोल्ड मेडल मिला है। ये मिला है केशव पटेल को। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो 50 किग्रा श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर था। लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। स्टूडेंट्स, आज भी मैंने लास्ट में दो क्वेश्चन पूछे हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हिमा दास को राज्य का खेल एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो असम सरकार ने, ठीक है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये हिमा दास कौन है? हिमा दास हैं ये हाल ही में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। और ये 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। इस तरह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। असम के बारे में कुछ जान जाइए। असम के CM हैं सर्वानंद सोनोवाल और कैपिटल है दिसपुर। ये आपके सामने जो दिख रहा है यही है असम, ठीक है। अब और कुछ जान जाइए। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये दोनों असम में है, ठीक है। असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वो है बिहू, ठीक है। एक और चीज जान जाइए, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सीट कितना है? 126 है असम में। लोकसभा सीट कितना है असम में? 14। और राज्यसभा सीट कितना है असम में? 7। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधियों के अध्ययन के लिए UNEP ने किसके साथ साझेदारी की है। तो सबसे पहले ये जानिए UNEP क्या है। UNEP का फुल फॉर्म जान जाइए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका सही उत्तर होगा गूगल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। पर्यावरण पर गहन अध्ययन करने के लिए और उसके मानव गतिविधियों पर क्या असर पड़ता है पर्यावरण का, इसी पर रिपोर्ट बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने गूगल के साथ साझेदारी की है। अब UNEP के बारे में कुछ जान जाइए। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कि केन्या में है। इसके, अब यूनाइटेड नेशन का बात चला है तो यूनाइटेड नेशन के इस वक्त महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। महासचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2019 से किस प्रकार के लाइसेंस रखने वालों के नाम राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो गन का लाइसेंस रखने वालों के नाम, इनका जो डाटा है राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल कर लिया जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। गृह मंत्रालय, यहां पे आपको दिख रहा है इस वक्त गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्रालय क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। गृह मंत्रालय जो होता है देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा इसके ऊपर रहता है, ठीक है। कंट्री पुलिस हेड होता है, जो गृह मंत्री होता है पूरे देश का जो पुलिस है उसका मेन हेड होता है। राज्य का पुलिस का हेड होता है DGP। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुन लिए तो इनके बारे में कुछ जान जाइए। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब इससे एक और चीज जान जाइए, एकता की मूर्ति, ठीक है, इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण
गुजरात में किया जा रहा है, और इन्हीं के नाम पर एक सरदार सरोवर डैम है जो कि एक ग्रेविटी डैम है, और ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ? गुजरात में। तो इतना चीज एक क्वेश्चन से आप जानिए, कनेक्ट कर करके याद करिए तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल के बाद निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार न बनाने का संकल्प लिया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि वाला हथियार, जैसे कि ड्रोन। ड्रोन जो है कृत्रिम बुद्धि वाला एक हथियार है, ठीक है। स्पेस एक्स, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं, ठीक है। अब यहां पे गूगल का बात चला है, गूगल के सीईओ जो हैं वो हैं सुंदर पिचाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वॉर की धमकी के बीच यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ अब तक की सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ने। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में कुछ जान जाइए। दो देशों के बीच जब यह संधि होती है तो उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बाकी देशों के मुकाबले कम हो जाती है। दोनों देशों के बीच जिनके बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आयात निर्यात के तहत सीमा शुल्क नियामक कानून और सब्सिडी को सरल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन जान लिए। अब इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, जापान है। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की करेंसी का नाम है येन, YEN, येन। प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे, ठीक है। यहां पे आपको यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान जाइए। यूरोपीय यूनियन में इस वक्त 28 देश हैं। हाल ही में न्यूज आप लोग जानते होंगे कितना न्यूज था कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। अगर वो बाहर निकल गया तो 27 देश हो जाएंगे यूरोपीय यूनियन में। संभावित है 2019 में कि ब्रिटेन इससे बाहर निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में आयोजित सोटेविल एथलेटिक्स मीट 2018 के भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। तो फ्रांस के बारे में कुछ जान जाइए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। और एफिल टावर का नाम आप लोग सुने ही होगा, बहुत ही फेमस टावर है एफिल टावर, ये पेरिस में ही है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये भाला फेंक जो है इसको इंग्लिश में हम लोग जेवेलिन थ्रो या स्पीयर थ्रो भी बोलते हैं। अब फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में जान जाइए। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एडॉर्ड फिलिप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वीडियोकॉन कंपनी को ऋण दी है चंदा कोचर, जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगा है और वो छुट्टी पर है, चंदा कोचर, इसीलिए उनकी जगह पर एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इस वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये भी जान जाइए। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, कोलकाता में स्थापना हुई थी, लेकिन इस वक्त इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत सरकार कितने करोड़ आयुष्मान फैमिली कार्ड वितरित करेगी? तो 11 करोड़, ठीक है, फैमिली कार्ड को वितरित करेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह स्कीम एक तरह का मेडिकल इंश्योरेंस है। आयुष्मान भारत 15 अगस्त को लॉन्च होगा, यह अनुमानित डेट है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है।
ग्रामीण इलाकों के कुल आबादी का 80% और शहरी क्षेत्रों के कुल आबादी का 60% लाभार्थियों का चयन किया गया है ये कार्ड देने के लिए, फैमिली कार्ड देने के लिए। इसके तहत 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, यानी 5 लाख तक के स्वास्थ्य सेवा मदद की जाएगी। इस वक्त आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के CEO कौन है? वो हैं इंदु भूषण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस उत्पाद को GST के दायरे में ला दिया है? ठीक है, अभी तक तो आप लोग देख रहे थे कुछ उत्पाद GST के दायरे से बाहर थे, उसमें पेट्रोलियम को GST के दायरे में ला दिया गया है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शराब, सिगरेट, कॉफी, अभी ये GST के दायरे में नहीं है। ठीक है, GST के दायरे में तो पेट्रोलियम आ चुका है, लेकिन ये किस टैक्स स्लैब में रहेगा अभी ये निर्धारित नहीं किया गया है। GST के बारे में कुछ जान जाइए। GST कितने प्रकार के हैं उनका भी नाम सुन लीजिए। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक है SGST स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स, एक है IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक है UTGST यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और वस्तुओं और सेवाओं को 4 टैक्स स्लैब में रखा गया है, वो कितने कितने परसेंट हैं वो भी जान जाइए। 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 4 स्लैब हैं टैक्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़े परिधान व्यापार शो के 67वीं यानी 67th राष्ट्रीय परिधान मेले यानी नेशनल गारमेंट्स फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो आज इसका लास्ट डेट है, आज लास्ट इसका है आयोजन 19, ये मुंबई में किया गया है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये 16 जुलाई से शुरू हुआ था जो कि आज 19 जुलाई तक ये चलेगा। इसी बीच गुजरात सरकार और CMAI यानी द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच निवेश में बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर भी हुआ है। इसके उद्घाटन कौन किए थे? तो फ्यूचर ग्रुप के CEO किशोर बियानी ने इसका उद्घाटन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी को 2018 का नाबार्ड पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेपको माइक्रो फाइनेंस को नाबार्ड पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आपको नाबार्ड दिख रहा है, नाबार्ड के बारे में कुछ जान जाइए। नाबार्ड का स्पेलिंग होता है NABARD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जान जाइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, लिख दे रहा हूँ 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इस वक्त इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। इसका हेडक्वार्टर है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, नाबार्ड का भी मैंने फुल फॉर्म बताया, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनका जो जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को हुआ था, तो इस वर्ष जो है इनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये यूनाइटेड नेशन ने निर्धारित किया है। इनके बारे में कुछ जान जाइए। साउथ अफ्रीका के ये एक महात्मा गांधी थे, जिस तरह भारत के महात्मा गांधी हैं देश को आज़ाद कराने में, उसी तरह नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी नेल्सन मंडेला ही थे। ये रंग भेद विरोधी और गरीबों के खिलाफ लड़ने वाले महान नेता थे। यह दिवस जो है 2010 से मनाया जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, तो साउथ अफ्रीका का बात चला है, तो साउथ अफ्रीका के इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? सेरिल रामाफोसा। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के तीन कैपिटल है, तीनों कैपिटल देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रीटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, और ज्यूडिशियल कैपिटल है ब्लूम फोन्टिन। साउथ अफ्रीका के करेंसी का नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड।
RAND, साउथ अफ्रीकन रैंड। ये था हमारा आज का करंट अफेयर, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स 2018 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं है, मैं ये अपनी तरफ से डाला हूँ, और मैं डेली एक क्वेश्चन आपको जीके के अदर सब्जेक्ट से डालूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा करंट अफेयर से, और एक क्वेश्चन रहेगा जीके के अदर सब्जेक्ट से। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमिटी के अध्यक्ष कौन थे। आप गूगल में सर्च करके नहीं कमेंट करिएगा, आपको जो याद हो चाहे गलत या सही आंसर आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सही उत्तर कल के वीडियो में बताऊंगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं।